नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं। कई चीज़ों का घर में आना शुभ और अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है, जैसे पक्षियों का आना भी एक महत्व है। अगर कबूतर आपके घर पर आ रहे हैं या घोंसला बना रहे हैं तो इसके भी अपने मायने हैं। हिंदू धर्म में वास्तु को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कई लोग घर में कबूतर को शुभ कहते हैं आने को, और कई लोग इसे अशुभ मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कबूतर आपके लिए कितना लकी और अनलकी है। सुबह सुबह अगर आपके घर में कबूतर आता है तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि अगर आपके घर में कबूतर घोंसला बना ले तो इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कई लोग घर में कबूतर का आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि घर में कबूतर घोंसला बना ले तो परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना अशुभ होता है। अगर आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और परिवार के सदस्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में शांति का प्रतीक है कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक है, इसलिए अगर आपके घर में कबूतर आते हैं तो इसे पॉजिटिव ही समझना चाहिए। आपके घर में जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुबह सुबह अगर सफ़ेद कबूतर दिख जाए आपको तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि पक्षी को दाना खिलाने से गृह देश दूर होते हैं। हालांकि उल्लेख भी मिलता है कि कबूतर को कभी भी घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। जब भी कबूतर को दाना खिलाएं, घर के आंगन में ही डालें। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। वहीं दोस्तों, अगर किसी का बुध कमज़ोर है तो उस पर लगातार कोई ना कोई मुसीबत आ रही हो तो इसका मतलब उसका बुध कमज़ोर है। ऐसे में कबूतर को दाना डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसके जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। तो दोस्तों, ये थी कबूतर से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ बातें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।